एक वक्त का किस्सा है, एक गांव में बिट्टू नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। उसने गाय पाली हुई थी, वो उनका दूध निकालता और गांव जाकर बेचा करता था। जबकि दूसरी तरफ उसी गांव में मीठा नाम का लड़का हर वक्त सोता रहता था। अरे बहू बेटा क्या कर रहा है? ससुर जी मीठा सो रहा है, पता नहीं बेटे को कब अकल आएगी, कोई काम नहीं करता, हर टाइम सोता रहता है। ठीक कह रही है तू बेगम, इसे अपने दोस्त बिट्टू से ही कुछ सीख लेना चाहिए, वो हर टाइम तरक्की करने के लिए मेहनत करता रहता है। इतने में बिट्टू वहाँ आ जाता है। आंटी अंकल मीठे भाई किधर है? बेटा वो सुस्तर का बचर सो रहा है। बिट्टू बेटा अपने दोस्त को कुछ समझा कि वो भी कोई काम करे। जा बहू मीठे को उठा, कह के बिट्टू आया है। उठा क्या तू? फिर नसीबो अंदर आती है। अरे मीठे उठ, तेरा दोस्त बिट्टू आया है। बेगम उसे बोल वो बहुत जरूरी काम से सो रहा है, बाद में आए वो। ओ मीठे तेरा बाप बहुत गुस्से में चिल्ला रहे, ऐसा ना हो वो सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दे बे। अच्छा अच्छा चल बाहर। फिर वो बाहर आ जाते हैं। मीठे भाई चलो मेरे साथ, आपसे जरूरी बात करनी है। फिर वो घर से निकलते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ बेटो क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? क्या मीठे भाई हर टाइम सोते रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? देखो मैं आपका दोस्त हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आगे जाकर बहुत पछताओगे। अच्छा तू ही बता क्या काम करूँ? मीठे भाई काम की कोई कमी है क्या? बल्कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ ही काम करो, मेरी गाय को चारा डालो, उसका गोबर साफ करो, उसका दूध निकालो, बहुत काम है मेरे पास। अब मोटे पेट वाले गेंडे, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो तेरी गाय के गोबर उठाऊं। मीठे तुझसे बात करना ही फजूल है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ निकल शाबाश। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बिट्टू मेहनत करता रहता है। वो अपनी गाय की देखभाल करता और उनका दूध गांव-गांव बेचता, जबकि मीठा सोता ही रहता। फिर कुछ दिनों बाद मीठा घर के बाहर खड़ा होता है तो बिट्टू मोटर बाइक पर गुजरता है, तो मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या, ये इस मोटे ने मोटर बाइक भी खरीद ली? मैं भी मोटर बाइक लेता हूँ ताकि इस मोटे को पता चले कि मैं भी इसके बराबर तरक्की कर रहा हूँ। फिर मीठा घर वालों के पास आता है। अरे अब्बा मोटे बिट्टू ने मोटर बाइक ले ली है, तू भी मुझे मोटर बाइक लेकर दे। मीठे तू कहीं नींदों में तो नहीं है? तुझे मालूम है मैं जितने पैसे कमाता हूँ उससे घर का खाना पीना ही चलता है। मीठे तेरा बाप ठीक कह रहा है, और हाँ अपने दोस्त बिट्टू की तरह मेहनत कर और मोटर बाइक खरीद ले। नसीबो तू ही कुछ कर, अपने बाप को बोल शायद वो मुझे मोटर बाइक के पैसे दे दे। ना मीठे मेरा बाप कभी भी तुझे पैसे न दे पेगा, उसे पता तू एक नंबर का काम चोर है, हर टाइम सोता रहता है। बस कर मोटी नाक वाली औरत, तू अगर कुछ नहीं कर सकती तो ज्यादा भाषण मत दे। मीठे तू कोई काम क्यों नहीं करता? और नसीबो कोई कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मीठे मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, तू एक काम कर उनसे कोई कारोबार कर ले। हाँ मीठे बहू ठीक बोल रही है, अच्छा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। फिर अगले दिन मीठा पकौड़ों की दुकान खोल लेता है। आ जाओ मीठे के गर्मा गर्म पकौड़े खा जाओ। तो इतने में एक ग्राहक वहाँ आता है। भाई साहब कैसे दे रहे हो पकौड़े? जनाब 100 रुपए पाव दे रहा हूँ, ये बताओ आपको कितने चाहिए? भाई पहले पकौड़ा टेस्ट करवाओ, फिर 100 रुपए के लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो आदमी पकौड़े टेस्ट करता है। वाह भाई वाह, पकौड़े तो वाकई मजेदार है, एक काम करो 100 रुपए के पैक कर दो। ठीक है भाई अभी देता हूँ आपको पकौड़े। फिर वो आदमी पकौड़े लेकर वहाँ से चला जाता है तो एक औरत वहाँ आती है। वाह भाई आपके पकौड़ों की खुशबू तो दूर दूर तक फैली हुई है, बस वो खुशबू सूंघते हुए मैं यहाँ पर आ गई। बस बाजी मेरे पकौड़े हैं ही इतने मजेदार कि लोगों से रहा नहीं जाता खाए बगैर। अच्छा भाई एक पाव पकौड़े दे दो। इस तरह शाम हो जाती है और मीठे के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वाह यार इस काम में तो बहुत पैसा है, चलो बहुत कमा लिया मैंने। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। सुना मीठे कैसा रहा तेरा आज का दिन? मेरी जानू मानू बहुत अच्छा रहा, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी मोटर बाइक खरीदूंगा ताकि मोटे बिट्टू को जला सकूं। पर मीठे मोटरसाइकिल तो बहुत महंगी है, इस तरह तो तुझे बहुत टाइम लग जाएगा मोटरसाइकिल खरीदने में, तू एक काम कर।
नफा तुझे ज्यादा हो बेगा। वाह नसीबो, क्या मस्त मशवरा दिया है तूने। आई लव यू मेरी जानू। फिर अगले दिन मीठा दुकान पर होता है तो वही ग्राहक मीठे के पास आता है। वाह भाई साहब, आपके पकौड़े तो वाकई लाजवाब थे कि मेरे घर वालों ने मुझे दोबारा भेज दिया। भाई मेरे पकौड़ों की तो बात ही निराली है। अच्छा कितने दो आपको पकौड़े? भाई एक दो पकौड़े दे दो। अच्छा 200 रुपए दे दो। ये क्या भाई, कल तो 100 रुपए पाव थे और आज 200 रुपए पाव क्यों? हेलो बहुत महंगाई हो गई है, अब 100 रुपए पाव वाले नहीं खाते। अच्छा अच्छा ठीक है, दे दो एक पाव। फिर वो ग्राहक पकौड़े लेकर जा रहा होता है। यार आज तो पकौड़े कब लग रहे हैं, ये इंसान तो लालची हो गया है। मीठा इस तरह ज्यादा रेट पर कम पकौड़े लोगों को देता है। उसी गांव में एक जमींदार रहता था, तो उसका मुंशी आता है और मीठे के बारे में जमींदार को सब बताता है। क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे होते हुए कोई इस गांव में बेईमानी कर रहा है? जमींदार साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ, गांव के बहुत से लोगों ने मुझे ये बात बताई है। तुम दोनों एक काम करो, उस एक पाव पकौड़े लेकर आओ, मैं भी देखूं कि कम देता है कि नहीं। ठीक है जमींदार साहब, हम भी लेकर आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और मीठे के पास आ जाते हैं। भाई एक पाव गर्मा गर्म पकौड़े दे दो। अच्छा ठीक है देता हूँ। फिर वो दोनों पकौड़े लेकर जमींदार के पास आते हैं। मुंशी तुम एक काम करो, इसे तराजू में चेक करो। फिर मुंशी जब पकौड़ों का वजन करता है तो वो वाकई कम होते हैं। देख लिया जमींदार साहब, मैं ठीक बोल रहा था, ये इंसान बेईमान है। तुम दोनों चलो मेरे साथ, इसकी तो आज दुकान बंद करवाते हैं। फिर वो मीठे के पास आ जाते हैं। जमींदार साहब ये क्या, आप मेरी दुकान पर आ गए? यकीनन आपने मेरे पकौड़े खाए होंगे तो उसकी तारीफ करने के लिए आए होंगे। ओए बेईमान इंसान, तू कम तोल कर पकौड़े देता है। मैंने यही चीज देखने के लिए अपने मुंशी को तेरे पास भेजा था कि तू पकौड़े कम देता है लोगों को के नहीं। जमींदार साहब जरूर ये इसके तराजू में मसला होगा, मैं तो एक ईमानदार इंसान हूँ। रुक तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, चलो मुंशी तोड़ दो इसकी दुकान को। नहीं नहीं मैं बताता हूँ वो क्या है जमींदार साहब, मैंने मोटर बाइक खरीदनी थी इसलिए ऐसा किया है। इतने में बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जमींदार साहब, कोई मसला हो गया है? तेरे दोस्त ने पता है क्या किया है? बताएं जमींदार साहब क्या किया है इस मीठे ने। फिर जमींदार बिट्टू को सारी बातें बताता है। ये सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है। जमींदार साहब इसकी दुकान मत तोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो ये काम करने लगा है, मैं आपसे वादा करता हूँ ये अंडा बेईमानी नहीं करेगा। ठीक है बिट्टू, तुम एक मेहनती और ईमानदार इंसान हो इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर आइंदा ऐसा ना हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू मेरे दोस्त तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया, अब आइंदा कभी बेईमानी नहीं करूँगा और हलाल रोजी कमाऊंगा। फिर मीठा कम रेट पर पकौड़े बेचना शुरू कर देता है और इस तरह उसका काम खूब चलता है। नाज़रीन हलाल की कमाई में बहुत बरकत है, अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।